दोस्तों स्वागत है आपका। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत जो है वो होने वाली है 12 अक्टूबर से। फाइनल टेस्ट मैच होने वाला है ये इस टेस्ट सीरीज का, और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दोनों ही टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, तो यहाँ पर पृथ्वी शाह होंगे और उनके साथ होंगे डेब्यूटेंट मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल यहाँ पर अपना पहला मैच खेलेंगे, जहाँ पर टीम से बाहर जाएंगे केएल राहुल। नंबर तीन की अगर बात करें तो वहां पर होंगे चेतेश्वर पुजारा। नंबर चार पर होंगे कप्तान विराट कोहली। पांचवें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चेंज दिखाई दे सकता है, और हनुमा बिहारी आ सकते हैं अजिंक्य रहाणे की जगह पर। छठे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर होंगे ऋषभ पंत। सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा। आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन। नौवें नंबर पर यहाँ पर आएंगे शार्दुल ठाकुर। दसवें नंबर की अगर बात करें तो वहां होंगे मोहम्मद सामी, और ग्यारहवें नंबर पर एक और प्लेयर डेब्यू करने वाले हैं मोहम्मद सिराज। तो ऐसी कुछ प्लेइंग 11 जो है वो टीम इंडिया की हमें दिखाई देगी इस मैच में। अब बात करते हैं दोस्तों टीम वेस्ट इंडीज की, तो यहाँ पर के ब्रैथवेट जो है वो ओपन करेंगे के पॉवेल के साथ। नंबर तीन पर होंगे साई होप। नंबर चार पर होंगे हेटमायर। हेटमायर दोस्तों एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। पांचवें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जेसन होल्डर आ सकते हैं अगर वो फिट हो जाते हैं, और अगर वो फिट नहीं होते तो यहाँ पर सुनील एम्ब्रीसी जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उनके बाद यहाँ पर रोस्टन चेस होंगे। उनके बाद यहाँ पर विकेट कीपर सेन डॉरिच होंगे। बॉलर्स की अगर बात करें तो बिशु होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराए पिछले मैच में भी। उनके बाद यहाँ पर लुइस होंगे, गैब्रियल होंगे, और के पॉयल की जगह पर जो है मौका मिल सकता है कैमरन रोज को। तो ऐसी कुछ प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की टीम की हमें दिखाई दे सकती है, जहां पर दो चेंजेस हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है ये टेस्ट मैच, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।